ऐसे कुछ समय बीतने के बाद जल्दी पुणे ले आए गए। शिवाजी राजा पुणे चलने के लिए बहुत उतावले हो गए थे। इधर कुछ दिनों से शिवबा का व्यवहार जीजाबाई के समझ में नहीं आ रहा था। मुगलों के खिलाफ विद्रोह के बाद शिवबा के स्वभाव में एक गंभीरता आ गई थी। वे घर में ही अकेले बैठे रहते या फिर अधिकतर दौरे करते रहते थे। पुणे आते ही वे फिर से रुद्रेश्वर गए। उस समय पंत किसी काम से जुन्नर गए हुए थे। जुन्नर से आते ही उन्होंने पूछताछ की, पता चला कि राजा रुद्रेश्वर चले गए। पंत चिंता में डूब गए। जीजाबाई से कहने लगे, माँ साहिबा, राजे अचानक रुद्रेश्वर क्यों चले गए? 8 दिन पहले ही वहां से होकर आए ना। आपने आजकल राजा को घेर कर बैठने वाले लोग देखे हैं? नेताजी, एसाजी, तानाजी, बाजी, बालाजी, चुमनाजी, कितने ही नाम लिए जाए कम है। विवश होकर कहना पड़ रहा है माँ साहिबा, छोटी उम्र है, पागलों वाली हिम्मत है। मैंने ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देखा है, मेरा सारा शरीर ठंडा पड़ गया। माँ साहिबा, जीवन में जो सुख दुख आते हैं उन्हें मनुष्य सहन करता ही है, आप भी सहन कर लेती, पर तो हम जैसों का क्या होता। एक राजा ही है जिनके सहारे माँ साहिबा आज हजारों लोग दो कौर खा लेते हैं। ऐसे लोगों के सहारे को इस तरह खुली छूट दी जाए तो क्या ठीक होगा? दादोजी आगे बोल नहीं पाए, फिर कहने लगे, माँ साहिबा, ये बातें आप ही राजा को कह सकती है। समय पर यदि डांटा न गया तो बाद में कुछ लाभ नहीं होगा। अब आगे आप जैसा चाहे। पंत थके मांदे वहां से चले गए। माँ साहिबा के सामने पंत कभी इतनी दो टूक बातें नहीं कर पाए थे। दादोजी ने जो कुछ कहा था उसमें झूठ ही क्या था। एन दोपहर में सब रुद्रेश्वर पहुंचे। शिवबा के मुख पर आज निराला तेज चमक रहा था। झरने पर हाथ पैर धोकर वे रुद्रेश्वर मंदिर के भीतर गए। बेलपत्रों से आच्छादित शिवलिंग के आगे राजे ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। राजे ने कहा, दादाजी फिर एक बार सोच लो। हमारा निश्चय तो पहले ही दृढ़ है, अब जिंदा रहेंगे तो शेर की तरह ही, बकरी बनकर जिंदा रहना हमें मंजूर नहीं। शिवलिंग पर हाथ रखते हुए शुभा ने कहा, हे शंभो, हर हर महादेव, आज तुझसे प्रेरणा लेकर हम हिंदवी स्वराज की शपथ ले रहे हैं। हमारा संकल्प को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए तू समर्थ है। जब तक स्वराज्य की स्थापना नहीं होती तब तक मित्रता के लिए पकड़ा हुआ एक दूसरे का हाथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे। जो वचन दिया है उसे कभी नहीं तोड़ेंगे। ऐसा कहकर शुभा शिवलिंग से एक बेलपत्र उठाया और अपने माथे से लगाया। दादोजी ने शुभा का अनुकरण किया। शुभा मंदिर की सीढ़ी पर बैठ गए। पूजा का प्रसाद सबको बांटा जा रहा था। ऐसा जी, बाजी, ताना जी, सबका ध्यान इसी ओर लगा था कि अब शिवाजी राजा क्या कहते हैं। राजे ने कहा, ऐसा जी, आज हम प्रतिज्ञा कर बैठे हैं। रौंदरी के निकटवर्ती ये रुद्रेश्वर देवता स्वयंभू देवता है। उन्होंने आज तक हमें सफलता दी है, तुम जैसों से मिलाया है। अब अगली परिभाषा है हिंदू स्वराज्य की, देवता उसे भी अवश्य पूर्ण करेंगे। इस कार्य के लिए हम सबकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। नेताजी शुभा के संबंधी थे, आयु से भी बहुत बड़े थे। वे कहने लगे, तो डर काहे का? डर नहीं, पहला पग कौन सा उठाया जाए, कहां से कूच की जाए, हम यह सोच रहे हैं। इसमें सोचना क्या है, तानाजी बोल उठा। इस देवता के आगे शपथ ली है, यही से हमारा पहला कदम होगा। क्या मतलब? मतलब यह कि का किला जीतकर देवस्थान पर कब्जा किया जाए, क्या ख्याल है? ख्याल तो बहुत अच्छा है, पर किले की हालत कैसी है? मैं देख आया हूँ गढ़, बहुत हुए तो 100-200 सिपाही होंगे। गढ़ पक्का नहीं है, चार दीवारी पर जगह जगह ढही हुई है। तो क्या कहते हो दादोजी, बात पक्की? पहला आक्रमण किया जाएगा। ठीक है, कल पर दुर्ग जीत कर देवता से ही स्वराज्य का आदेश लेंगे। भारत! भारत!
महादेव की गर्जना से वातावरण गूंज उठा। राजा ने ऐसा जी को बुलाकर कहा, ऐसा जी, बाजी, ताना जी, तुम सबसे आदमी तैयार है ना? जी हाँ। रोएड़ा पर्वत की तलहटी में रात को ही सब लोगों को इकट्ठा होना है। सब सुबह वहाँ आएंगे। किसी तरह की आवाज या शोर नहीं होना चाहिए। सब कुछ बिल्कुल चुपचाप होना चाहिए। सब लोग ईश्वर पहाड़ी से वापस उतरने लगे। शिवाजी राजा सामने दिखाई देने वाले किले को देख रहे थे। आधी रात तक शिवाजी राजा महल में जागे हुए थे। लोहारों द्वारा किए गए भालों तलवारों का ढेर लगा हुआ था। चार लोहारों ने रात दिन एक करके 15 दिनों में इतने हथियार बनाए थे। भीमा कहने लगा, राजे जरा पहले बता देते, बर्चा भी तैयार हो जाती। राजे हंस दिए, बोले, अरे भीमा, तूने इतना सारा बना डाला है, यही क्या कम है? अपने हाथ में पहना हुआ सोने का कड़ा उन्होंने भीमा को दे दिया। कहने लगे, इसे चारों में बांट लेना। वाह राजे, तुम्हारे हाथ का कड़ा और हम तोड़ेंगे, इसकी तो पूजा करेंगे हम। राजे महल से बाहर गए, उनके पीछे पीछे भीमा भी चला गया। राजे ने मुड़कर देखा और पूछा, क्यों भीमा, क्या है? भीमा ने उनके पाँव पकड़ लिए, कहने लगा, एक विनती है। कैसी विनती, बोल। पहले कहो कि मानोगे। अरे तुझे भी ना कहा है, बोल क्या बात है? कल तुम जहाँ जा रहे हो मुझे भी साथ चलना है। क्या कह रहा है तू भीमा? अरे राजे, मैं तलवार चलाना जानता हूँ, भाला चलाना जानता हूँ, मैं यूं ही यह धंधा नहीं करता। मुझे तो तलवार तुमने ही दी है, उससे क्या सिर्फ भेड़िया मारू मैं? राजे का कंठ गदगद उठा। भीमा को उठाकर उसकी पीठ थपथपाते हुए वे कहने लगे, भीमा मैं तुम्हारे जैसे आदमियों को ही खोजा करता हूँ। अच्छा सुबह तू भी साथ चलना। भीमा खुश होकर चला गया। उस रात भीमा अकेले ही बैठा लोहार खाने में तलवार की धार तेज करता रहा था। मैं हूँ आपके साथ स्वप्निल पाटिल और आप देख रहे हैं स्वैपटून्स एनिमेशन। हमारे श्रीमंत योगी सीरीज से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। जय शिवराज।